गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग एस्थेटिक लाइफस्टाइल। सो गाइज आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं आज शूट करने वाली हूँ व्लॉग फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड और व्लॉग होने वाला है बैंड्रा हिल रोड या फिर लिंक रोड जहां पे मुझे अच्छा खासा स्टफ मिल जाएगा वहां का होने वाला है ये व्लॉग एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी बजे है 8:30 और मुझे 9 o'clock तक ट्रेन पकड़नी है। आई जस्ट नाउ आई टेकन अ शावर एंड मैं अभी रेडी भी नहीं हुई हूँ। सो मुझे फटाफट से रेडी होना है, 9 o'clock तक मुझे ट्रेन पकड़ना है एंड 10:30 के पहले मुझे बैंड्रा पहुंचना है बिकॉज 10:30 के बाद मेगा ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे स्टेशन या फिर बैंड्रा तक पहुंचने के लिए एंड आई डोंट वांट टू गो बाय बस। सो मैं फटाफट से रेडी होके ट्रेन पकड़ के फिर मैं वहां पे बैंड्रा पहुंचूंगी। सो आई थिंक आई विल डायरेक्टली सी यू गाइज एट बैंड्रा स्टेशन। हम जस्ट बैंड्रा स्टेशन के बाहर है और उसके सामने अभी हम यहाँ पे ऑटो करने वाले हैं तो यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। सो अभी हमें रिक्शा वाले भैया ने बताया है कि मार्केट क्लोज है तो हमने डिसाइड किया है कि हम अभी जाएंगे माउंट मेरी चर्च। सो हमने ऑटो घुमा ली है और यहाँ पे नजदीक ही है माउंट मेरी चर्च तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम यहाँ पे माउंट मेरी के यहाँ पे आए हैं तो आप देख सकते हो बाजू का व्यू। को 5 कैंडल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो मैंने ये 5 कैंडल लिए हैं जस्ट फॉर 50 रुपीज। सो अभी हम यहाँ से जाएंगे अंदर चर्च के अंदर। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे हमें गेट पे ही बता दिया गया कि मदर मेरी के यहाँ पे कोई भी सेल्फीज या वीडियो शूट करने के लिए अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मदर मेरी का वीडियो शूट आप कर सकते हो या फिर फोटो ले सकते हो लेकिन वहाँ पे जाके सेल्फीज वगैरह निकालना इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। सो गाइज माउंट मेरी से अभी हम निकले हैं और अभी हम जा रहे हैं बैंड्रा हिल रोड पे। वहाँ पे शॉपिंग करेंगे एंड देखेंगे वहाँ पे कैसे कैसे स्टफ मिलता है। सो लेट्स गो गाइज। गाइज़ मैंने हिल रोड पे कुछ भी शॉपिंग नहीं किया बिकॉज कोविड के सिचुएशन की वजह से बहुत सारे शॉप क्लोज थे और जो भी स्टफ था वो इतना अच्छा नहीं था कि मैं उसे ले सकूँ। इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे लिंकिंग रोड लेकिन मैं कंफर्म नहीं थी कि लिंकिंग रोड में भी मुझे अच्छा खासा स्टफ मिलेगा या नहीं इसलिए मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। सो हम अभी जाएंगे लिंकिंग रोड। सो गाइज़ ये जो फुटेज आप देख रहे हो ये है लिंकिंग रोड की। सो आप देख सकते हो अच्छा खासा मार्केट था वहाँ पे। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। सो आपको ये सामने से रोड जो दिखेगा ना अगर आप बैंड्रा स्टेशन से आते हो तो आप ये सामने वाले रोड से आपका ऑटो आएगा।
ने लिया और सलमान भैया ने मुझे 200 रुपीज में लिया। हमारा शॉपिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, हम लोग बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं। मैं आई हूँ यहाँ पे बांद्रा स्टेशन पे और हम अभी जा रहे हैं वापस घर में। और आप यहाँ पे भी स्टेशन पे भी देख सकते हो कि बहुत ऐसे सारे कपड़े ऐसे ही डाले हैं, बहुत। क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये व्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। आई थिंक संडे को मैं शॉपिंग से आई थी और इट्स सैटरडे, सो ऑलमोस्ट 1 वीक होने को आया है और मैं बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी थी बीच में, तो वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज टाइम मिला तो मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। सो फटाफट देखते हैं कि मैंने क्या चीजें हैं वो परचेस की है। सो लेट्स सी। तो आप देख सकते हो इतनी सारी चीजें है मेरे साथ और ज्वेलरीज अलग है। यस गाइस, सो ये है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने आई थिंक आपको दिखाया था परचेस करते टाइम। सो ये है, ये कुछ सिल्क बेस में ऐसा है और पतला मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन सी ये 200 रुपीज में मिला और पहनने के बाद बहुत ही बढ़िया दिखता है। सो ये मैं दिमाग में रख के लिया था कि मैं अंदर इनर डालूंगी और उसके ऊपर ये वाला जो एज अ श्रग मैं इसे इस्तेमाल करूंगी, लेकिन ये ऐसे ही बहुत बढ़िया दिखता है। सो आई एम जस्ट क्वाइट लविंग दिस। सो ये मेरा फर्स्ट था। सो यस, सो नेक्स्ट जो है टॉप वो मैंने ये लिया था। हाँ, सो ये था और ये मुझे 250 में मिला, मुझे महंगा मिला मुझे लगता है, बिकॉज ये 200 रुपीज में मुझे मिल जाना चाहिए था, लेकिन शॉपकीपर ने कहा 250 के नीचे नहीं मिलेगा, 250 के नीचे एक रुपया भी नहीं कम करूंगा, मैं 1 रुपीज भी नहीं कम करूंगा। सो मुझे लेना पड़ा। लेकिन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टॉप, वेयर करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ये भी क्रॉप है और बहुत ही बढ़िया है, यू कैन सी। ये भी मैंने लिंक रोड से लिया था, हिल रोड से मैंने कुछ भी नहीं लिया। एंड नेक्स्ट है दिस वन, दिस इज ऑल्सो अ नाइस टी शर्ट। ये बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्रॉप में टी शर्ट है, सिंपल सा बहुत अच्छा है और ये मुझे 170 रुपीज में मिला था, 170 रुपीज ओनली में मिला था। सो मुझे बहुत अच्छा, पहनने के बाद वाव क्लास लगता है। देन थर्ड जो चीज है वो है दिस ब्यूटीफुल ब्लैक टॉप, जिसके हाथ आपको इस तरह से कुछ नेट में मिलेंगे। सो यू कैन सी हाथ जो नेट में है और ये पूरा इस तरह से है और पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। मैंने परचेस की है वो है जीन्स मैंने 2 परचेस की है। सो दिस इज द जीन्स, जो मैंने एक बार यूज की है, ये वाली जीन्स और ये वाला टॉप मैंने वेयर किया हुआ है गाइस। सो ये डार्क ब्लू कलर में एक जीन्स है, यू कैन सी, और ये मुझे मिली 500 रुपीज में। ये कलर बहुत अच्छा लगता है, पहनने के बाद क्लासिक लुक देता है। 500 रुपीज में उन्होंने मुझे अल्टर करके भी दिया है। एंड नेक्स्ट सेकेंड जीन्स इज दिस गाइस, देख सकते हो। सो इसमें कुछ थोड़ा सा ऐसा फटा हुआ सा है दिस साइड एंड दिस साइड टू, लेकिन पहनने के बाद सच में बहुत अच्छा लगता है। सो ये भी मुझे 500 रुपीज में मिली। सो ये थे क्लोथिंग्स, एक्सेसरीज देखेंगे। सो यस, एक्सेसरीज की वहां पे ऐसा शॉप नहीं है, लेकिन ऐसे रास्ते पे आपको आदमी खड़े हुए बैठे मिलेंगे जो ऐसे सब चीजें लेके खड़े रहते हैं। सो उनके पास से मैंने ये लिया है। सो इसको, ये बहुत ब्यूटीफुल माला है जो साड़ी के ऊपर
बहुत अच्छी लगेगी। सो पास से कुछ इस तरह से दिखती है एंड ये कुछ ऐसी। सो ये साड़ी पे बहुत ब्यूटीफुल लुक करेगी। सो या गॉट दिस ब्यूटीफुल झुमकीज, लेट मी शो यू। ये ब्यूटीफुल झुमकीज मैंने ली है, इफ यू कैन सी, बहुत अच्छी। ये ड्रेस पे, साड़ी पे, किसी पे भी जाएगी, बहुत अच्छी है। सो या लेट मी टेल यू दिस कि ये मुझे 100 रुपीज में मिला था। आई डोंट नो मुझे अभी ये कैसे मिला, सस्ता मिला, महंगा मिला, आई डोंट नो, बट ये मुझे 100 रुपीज में मिला था एंड दिस इज फॉर ओनली फॉर 30 रुपीज। ये 30 रुपीज में मुझे मिल गई थी इयर रिंग्स एंड देन मैंने ली है ये नोज पिन। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, इफ यू कैन सी, आई डोंट नो यू कैन सी ऑर नॉट, यस। सो ये मैंने नोज पिन ली थी। ये भी साड़ी पे या फिर ड्रेस पे जब आप एक्सेसरीज डालोगे ना, बहुत प्यारी लगी। और नेक्स्ट मैंने ली है ये नथ, आप देख सकते हो ये नथ है और ये साड़ी पे बहुत प्यारी जाएगी। ये इंडियन महाराष्ट्रियन लुक पे बहुत अच्छी जाती है। सो एक्चुअली मैं मुझे कलेक्शन करना था, सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये साड़ी पे बहुत अच्छी जाएगी। और ये वाली चीज बहुत प्यारी है, वो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज में मिली। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and fell lovingly. Then nothing got it feel like a sweet night. Hey, come on, now I'm waiting for you. But some hurry, oh sorry. Somebody else, and that is you. Ooh, ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? Can you tell me something? You look into my eyes and fell off really. Then nothing got a dream. So yeah, ये थी मेरी shopping from Linking Road. Hill Road से तो कुछ मुझे मिला नहीं. Hill Road पे खैर कोविड की वजह से कोई शॉप्स थे नहीं और आई डोंट नो मैं मॉर्निंग टाइम में गई थी इसके वजह से मुझे वहां पे ज्यादा शॉप नहीं मिले। सो ये सब लिंकिंग की शॉपिंग थी। या आई होप आपने ये व्लॉग बहुत ज्यादा एंजॉय किया रहेगा। आई होप मैं ऐसे व्लॉग्स हमेशा करती रहूंगी आपके लिए। सो प्लीज स्टे ट्यून टू माई चैनल। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।